हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का आज के इस व्लॉग में। जय माता दी। आज है नवरात्रि का पहला दिन और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो है पांचवा दिन। तो आई होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। ये सुबह का टाइम था, मैं अपनी बेटी को मैं स्कूल भेज चुकी थी और मतलब थोड़ा बहुत काम कर भी लिया था, लेकिन बाकी घर का सारा काम बाकी था। और आज मैंने डाला हुआ था ये लहंगा लुगड़ी बोलते हैं इसको, आपके यहाँ मुझे नहीं पता लेकिन यहाँ पे लहंगा लुगड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगी पूजा की तैयारी, जो कि मैंने पहले भी नवरात्रा किया था तब शेयर की थी। तो मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही हूँ और पूजा की तैयारी में मतलब आधी चीज़ें याद रहती आधी नहीं रहती, तो मैं अपना धीरे धीरे करती हूँ। शाम तक जैसे जैसे मुझे जो जो चीज़ें होती हैं वो याद आती है, ऐसे ही मैं इसको करती हूँ पूरा। मतलब ये नहीं होता कि याद नहीं रह पाता, खूब चाहे कितना लिख लो चाहे कितना मतलब याद करने की कोशिश कर लो, लेकिन कोई ना कोई चीज़ तो रह ही जाती है जब आप पूजा करते हो उस टाइम। तो यहाँ पे मेरे भी पताशे रह गए थे, बाकी तो सारी चीज़ें आ ही गई थी, एक पान की पत्ती और सुपारी और पताशे रह गए थे। तो लेकिन इतना कुछ नहीं है, पहले लगता था कि यार ये सारी चीज़ें रह जाती है, तो फिर ऐसा कुछ अब नहीं लगता। ठीक है, जब जो टाइम पे मिल जाए वो अच्छा है। अब मैं यहाँ पे यही पूजा। गाइस, पूजा की तैयारी तो मैंने कर ली है, जितना मतलब याद था और जितना कुछ भी हो पाया उतना तो कर लिया है। तो इस बार अखंड नहीं है, नॉर्मली है। तो जितना याद था सामान वगैरह भी, तो वो सारी चीज़ें तो मैंने कर ली है नॉर्मली। तो पता भी नहीं इतना कुछ, पता नहीं सब कुछ ठीक से किया या नहीं किया, पर हाँ जितना याद था उतना मैंने कर लिया। बाकी धीरे धीरे शाम तक जैसे जैसे याद आता है वैसे करती हूँ मैं, क्योंकि हर चीज़ तो हम बहुत अच्छे से नहीं करते। गाइस, पूजा मैंने अभी कर ली है और अभी जो कथा है वो बची है, तो मैं तो जो नवरात्रि की पूजा होती है उसके बाद फिर घर की पूजा, और सामने मतलब पीपल भी है, तुलसी की या फिर केला जो भी होते हैं तो उन सब की भी पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे है पीपल, तो इसीलिए मैं दीपक जला देती हूँ यहाँ पे। और ये तो रोजाना ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटी सी क्लिप मैंने ले ली थी। उसके बाद फिर मुझे खाना बनाना था, बेटी मेरी जा चुकी थी स्कूल, बस हबी का बचा था तो उनका खाना बनाना था। तो यहाँ पे मतलब इस ड्रेस में काम वाम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इस ड्रेस में क्या, मुझे तो साड़ी में भी मतलब कंफर्टेबल रहता है, या तो लोअर टी शर्ट डालो या फिर सूट डाल के कंफर्टेबल रहता है काम करने में। बट ठीक है, अभी व्लॉग बना रहे थे तो मैंने सोचा चलो पूरा दिन पहनने का था, लेकिन पूरा दिन तो नहीं, और यहीं पे साइड में ही मतलब थोड़ा सा पास जाके आरओ लगा हुआ है, तो वहाँ से मैं ये पानी भी लेके आई थी। तो मैंने सोचा चलो ये क्लिप भी ले ही लेती हूँ, तो तब की ली थी मैंने ये। गाइस, मैंने पूजा भी कर ली है और पूजा की है उसके बाद पानी वानी था तो वो लेके आई थी। बाकी अभी मेरा काम बचा है, झाड़ू पोछा, कपड़े वॉश करने और बर्तन साफ करने, ये सारे काम मेरे अभी बाकी हैं। तो ये सारी चीजें और ये सब काम मैं कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलेंगे। तो इन कपड़ों में ये सारे काम करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं या तो निकाल के या फिर अभी थोड़ी देर के लिए चेंज करूंगी। गाइस, मेरा काम भी हो चुका है और मेरी ड्रेस भी चेंज हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि उस ड्रेस में काम। और अभी मुझे, मैंने चाय वाय भी पी ली है, तो अभी मुझे जाना है मेरी बेटी को लेने, तो वो स्कूल से आने वाली है तो उसको लेके आते हैं। और छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स मैंने यहाँ पे ली है, अगर आप लोगों को ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मैं अपनी बेटी को लेके आती हूँ। गाइस, मेरी बेटी आ चुकी है और उसको यही रहता है कि भाग के उसका बैग लूँ और उसको हक करूँ। तो ये देखो चलो लाओ बैग दो। तो आने के बाद इसका यही रहता है कि मतलब भाग के आओ और मुझे हक करो, और
फिर लेके जाओ। तो और यहाँ पे अभी बाहर ही मतलब हम लोग खड़े थे, फिर उसके बाद आने के बाद इसके कपड़े वपड़े चेंज किए, उसके बाद ही बोल रही थी कि मुझे मैगी खानी है। तो मैं यही बोल रही थी कि सबके बच्चों को मैगी खानी होती है मतलब, और खानी भी नहीं होती है, बना देते हैं तो भी ये नहीं है कि उसको पूरा फिनिश करती है, नहीं कोई थोड़ा बहुत खा लेती है, बाकी नहीं उसको पूरा भी नहीं खाती है। फिर ये बस ये रहता है कि हाँ ये बना दो, ये खाना है, ये करना है, लेकिन कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोलती रहती। तो यही बातें हम कर रहे थे, तो अब शाम की पूजा पे मिलती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं आरती ही गा रही थी, और मैंने मतलब पूरा शूट भी किया था, लेकिन कैमरा मतलब इतनी कैच नहीं कर पाता वॉइस को, तो वॉइस अच्छे से क्लियर नहीं आ रही थी, इसीलिए मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो ये शाम की पूजा का की छोटी सी क्लिप है, जब मैं आरती कर रही थी तब की। सो इसके बाद ज़्यादा क्लिप मैं नहीं ले पाई। सो गाइस, ये था आज का व्लॉग, आई होप सो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज दूसरा नवरात्रा है जब मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। खाने वाने का भी मैं शूट नहीं कर पाई थी, मैंने नॉर्मल कुट्टू के आटे की पूरी बनाई थी और सब्जी बनाई थी आलू की, तो पिक मैं लगा दूंगी साइड में, वही मैंने नॉर्मल खाना बनाया था। सो अब मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर चूक, बाय बाय, किसी दो। Thank you.